जहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ा वहाँ हम सुन पे थे, विपक्ष में नहीं थे, तब हम चुनाव जीत गए। जिस तरीके से तेलंगाना का चुनाव लड़ा गया उस तरीके से ये अहंकार में अखिलेश फखिलेश दिग्विजय और उसके बेटा को कपड़ा फाड़ो हम तो जीत गए, भूपेश बघेल जी की नई नई गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम अकेले काफी है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ प्रीति झा। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी है वो 3 राज्यों पर विजयी रही, वहीं 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया है। इसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर से बता दिया कि आखिर ये कांग्रेस का हाल ऐसे कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके कारण कांग्रेस का ये परिणाम हुआ है और उनके ईगो के कारण ही ऐसे परिणाम जो हैं वो सामने आए हैं। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, सुनिए। 9 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस और 4 करोड़ 80 लाख होता है बीजेपी। ठीक, अब छोटी भूल आत्ममुग्ध हो जाना, अहंकारों में कमलनाथ जी का होना और छत्तीसगढ़ में भी नए प्राप्त बीजेपी जैसे चतुर चलाक धूर्त से चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 4 महीना पहले ही चमार ज्यादा मुसलमानों के विधानसभा वाइज 10,000 वोट हुआ थी, बहुत डिस्ट्रिक्ट और जहाँ बीएसपी का वोट था, कैंडिडेट था, वहाँ पर सपा को पैसा दे दिया, पंप कर दिया, और जहाँ सपा का था वहाँ बीएसपी को पंप कर दिया और अपने स्वजातीय दरोगा को बुला के बोला कि चादर मुसलमान और चमार के बूथ पर 50% 49% से 1 आगे परसेंट हो गए, तुम सस्पेंड। किसी भी ज़्यादा मुसलमान चमारों के बूथ पर 46-47% से ज़्यादा वोट कास्ट नहीं। ये अंतिम तक ये कितनी किस तरह से चुनाव, देश तो कंगाल होने जा रहा, आर्थिक गुलामी की ओर होने जा रहा, हैरात में, मार्केटिंग में हर चीज़ को बांट देना, कहते रहना कि मैं इसको कर दिया। तो जो बात आप कह रहे हैं ना, आप इसको हमेशा समझ, बार बार मोदी गए थे मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए, वो तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिए थे मैं मध्य प्रदेश नहीं आऊँगा, चुनाव हारेंगे ही है, शिवराज चौहान जाने। छत्तीसगढ़ में अंतिम में गए जब इन लोगों ने कुछ प्लान किया था, तो आप उठा करके देख लीजिए, जब वो प्लान किया गया तब वो गए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी बेंगलोर से निकली और सीधा तेलंगाना चले गए। जहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ा वहाँ हम सुन पे थे, विपक्ष में नहीं थे, तब हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार बन गई, मुख्यमंत्री हो गए। और जहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी थे, लग नहीं रहा था ये संभावना बनेगी। लगातार केंद्रीय नेतृत्व कह रहे थे कि एक आदिवासी पार्टी थी छत्तीसगढ़ में, आप उससे कर लीजिए, आप दिल्ली में राजस्थान से आपने कह दिया, केंद्रीय नेतृत्व ने तीनों राज्य को स्टेट को आप फ्रीडम दे दी, नहीं देना चाहिए था किसी भी कीमत पर। जिस तरीके से तेलंगाना का चुनाव लड़ा गया उस तरीके से ये अहंकार में अखिलेश फखिलेश दिग्विजय और उसके बेटा को कपड़ा फाड़ो हम तो जीत गए, आप इंटरफेयर नहीं कीजिए, इंडिया गठबंधन के चुनाव को रैली को आपने रोक दिया, भूपेश बघेल जी की नई नई गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम अकेले काफ़ी हैं। इसीलिए अकेले काफ़ी हैं कि आप इस बात को सोचिए ना, कैसे अकेले काफ़ी। अब बीजेपी जो आत्मुग्ध, बीजेपी सबसे पहले आरएसएस पैदा कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे पहले बीजेपी की सरकार कहाँ बनी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उतना हल्के में हम कैसे ले रहे हैं जबकि एक एक चीज केंद्रीय नेतृत्व बताया जा रहा है। लेकिन वोट तो हम 4 करोड़ 90 लाख लाए इस 4 विधानसभा में और बीजेपी 4 करोड़ 80 लाख लाई, और अन्य पार्टियों को जोड़ दीजिए आज भी 43% वोट कांग्रेस की है। कुछ भी बोल देना, वहां से निकले देश को जातियों के बीच बांटने की साजिश,
अरे मोदी जी सबसे ज्यादा बैकवर्ड बैकवर्ड, मैं मोदी मैं मोदी, मैं तेली मैं मोदी, सबसे ज्यादा बैकवर्ड बैकवर्ड तो आप ही किए, जबकि आप ओबीसी है या नहीं है ये अभी तक पता नहीं है गुजरात में। तो आपने सुना कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कांग्रेस के सफाया को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि कुछ बड़े ऐसे नेता हैं जिनके ईगो के कारण ऐसा परिणाम कांग्रेस का आया है, और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने तंज कसा है, निशाना साधा है। साफ साफ कह रहे हैं उनसे कि आप जो ये कहते हैं कि देश में जाति के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, तो मोदी जी सबसे ज्यादा यहाँ पर बैकवर्ड बैकवर्ड तो आपने ही कहा है, बल्कि यहाँ तो यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर आपकी जाति क्या है। तो जहाँ एक तरफ जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको लेकर हर तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसमें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जमकर कांग्रेस के हालत को लेकर भी बता दिया और उनका परिणाम ऐसा क्यों आया उसको भी बता दिया, और एक दूसरी तरफ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है।